हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज है 16th ऑफ जनवरी 2024। और देखिए, 16 जनवरी 2024 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं, वो सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करने वाले हैं, जिनसे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। आप प्रीवियस क्लास का रिविजन कर लेते हैं। देखिए, अभी कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा युवा निधि योजना की शुरुआत की गई है। स्वच्छ मंदिर अभियान, इसकी शुरुआत की गई है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिदम सांगवाल ने कांस्य पदक जीता है। जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया है। पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री, जिनका नाम है भगवंत मान सिंह, इन्होंने 14 नई लाइब्रेरियों का उद्घाटन किया है। भारत से ग्राफिक डिज़ाइन के लिए प्रेरणाएं, इस पुस्तक को लिखा है जया जेटली ने। और असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में वाटर वर्ल्ड जनगणना में पक्षियों की उपस्थिति दर्ज की गई है। नवीन पटनायक, जो कि ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने मलका नगरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। सील वर्धन अभी UPSC के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं। दुनिया की पहली बिना हाथ वाली महिला तीरंदाज शीतल देवी हैं, जिनको भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आप देखते हैं आज की क्लास का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य या फिर राज्यों में मनाया जाता है। देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। और देखिए, मकर संक्रांति है, उसको तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जाना जाता है। और जो पोंगल है, ये तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है फैलना। एक फसल कटाई उत्सव है और इसमें सूर्य देवता की पूजा की जाती है। अच्छा, सूर्य जो है ये मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। ठीक, और पोंगल त्यौहार जो है, इसको विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि हरियाणा और पंजाब। इसमें इसे माघी नाम से जाना जाता है। ठीक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इसमें मकर संक्रांति को खिचड़ी नाम से जानते हैं। ठीक, और गुजरात और राजस्थान में उत्तरायण नाम से जाना जाता है। ये इतने फैक्ट आप सभी को याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हो गया, वो कौन थी? तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, शास्त्रीय गायिका यानी कि क्लासिकल सिंगर। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। और इनकी इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनके संबंध में कुछ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किस घराने से है, तो इनका संबंध किराना घराने से है। इन्हें 1991 यानी कि 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इनको 1990 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म पुरस्कारों की 3 कैटेगरियाँ हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इनको तीनों मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन अमृत किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल। केरल राज्य के द्वारा ऑपरेशन अमृत की शुरुआत की गई है। और देखिए, केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए एक पहल की शुरुआत की है, जिसका नाम है ऑपरेशन अमृत। अच्छा, अमृत का मतलब क्या है? तो देखिए, स्वास्थ्य के लिए एंटी माइक्रो बियल रेजिटेंस इन्वेंशन, ये इसका पूर्ण रूप है। ठीक, बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी कल की क्लास में ही मैंने आप सभी को पढ़ाया है कि कर्नाटक राज्य के द्वारा युवा निधि योजना की शुरुआत की गई है, बेरोजगारों को भत्ता प्रोवाइड करने के लिए। इसमें जो डिग्री होल्डर हैं उनको 3000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा, और जिनके पास डिप्लोमा है उन्हें 1500 रुपये पर मंथ बेरोजगारी भत्ते के तौर पर दिया जाएगा। गोवा में अभी इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किया गया है। और असम में कुछ दिनों पहले ही मैंने आप सभी को पढ़ाया है, एक समझौता हुआ है, उल्फा समझौता, जो कि त्रिपक्षीय शांति समझौता है। और यहाँ पर चंदबी उत्सव मनाया गया है, ये फैक्ट आप सभी को याद रखने हैं। अच्छा, केरल का मैप आप यहाँ पर देख सकते हैं, लोकेटेड है केरल, राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और इस राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं
पिनराई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा सीट यहाँ पर 20 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 9 और 140 है विधानसभा सीटें। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की मलयालम है। और जैसे कि साइलेंट वैली और पेरियार, ये राष्ट्रीय उद्यान है केरल के। अच्छा, आरिफ मोहम्मद खान जो कि केरल राज्य के राज्यपाल हैं, इन्होंने भी कुछ दिनों पहले ही राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उर्दू शायर मुनव्वर राना का निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है, 2014 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए 2014 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी एक कविता है शहदाबा, और इनकी जो गजलें हैं बेसिकली वो मातृत्व विषय पर केंद्रित होती हैं। ठीक है, यानी कि मदरहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक विज्ञान महोत्सव केरल का उद्घाटन कौन करेगा? तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है, पिनराई विजयन जो कि केरल राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा वैश्विक विज्ञान महोत्सव केरल का उद्घाटन किया जाएगा। इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। आरिफ मोहम्मद खान ये गवर्नर है केरल राज्य के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट शौर्य संकलन किसने शुरू किया है? ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है भारतीय सेना। भारतीय सेना के द्वारा प्रोजेक्ट शौर्य संकलन को शुरू किया गया है। इसको क्यों शुरू किया गया है? तो इसमें जो पुराने रिकॉर्ड हैं भारतीय सेना के, जिसमें उनके द्वारा अच्छे कार्य किए गए हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर से संबंधित 1948 का संघर्ष है, या फिर 1961 में गोवा मुक्ति अभियान ऑपरेशन विजय, जैसे कि 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध, इस प्रकार के जो रिकॉर्ड हैं उनको संकलित करने के लिए भारतीय सेना ने डिजिटल इंडिया विजन के एक हिस्से के रूप में प्रोजेक्ट शौर्य संकलन इसकी शुरुआत की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना दिवस 2024 किस दिन मनाया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है 15 जनवरी। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस 2024 के रूप में मनाया गया है। थीम आप यहां पर देख सकते हैं, भारतीय सेना दिवस की थीम है राष्ट्र की सेवा में। ठीक है, इन सर्विस ऑफ द नेशन। अच्छा, 15 जनवरी 1949 में भारत के पहले फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, इन्होंने सेना की कमान संभाली थी, जिसके याद के उपलक्ष में ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बाकी के जो दिवस हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि 9 जनवरी। 9 जनवरी को अभी प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया गया है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया है, और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 किस राज्य में मनाया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है राजस्थान। राजस्थान राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 के रूप में मनाया गया है। ठीक है, राजस्थान राज्य के कुछ अदर फेस्टिवल या फिर उत्सव हैं, जैसे कि रेगिस्तान महोत्सव, ऊंट महोत्सव, नागौर मेला, पुष्कर मेला, हाथी उत्सव, मेवाड़ महोत्सव, शीतकालीन महोत्सव, पतंग उत्सव, साहित्य महोत्सव और बाड़ेश्वर मेला। ये सारे राजस्थान के उत्सव या फिर महोत्सव हैं, इनको आपको याद रखना है क्योंकि ये बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्गे सम्मान दिया गया है? ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है सविता कंसवाल, इनको अभी पोस्थोमेसली यानी कि मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्गे सम्मान दिया गया है। इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। और देखिए जो तेंजिंग नॉर्गे सम्मान है ये पर्वतारोहण के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत की जो वर्तमान में राष्ट्रपति मुर्मू जी, इन्होंने ये पुरस्कार दिया है। इन्होंने मात्र 6 दिन के अंदर ही माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालो इन दोनों चोटियों पर फतेह प्राप्त की थी। अच्छा, जो माउंट एवरेस्ट है इसकी वर्तमान में ऊंचाई कितनी है ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो 8,848.86 मीटर ये ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की, जो कि हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। ठीक, नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है, और नेपाल की तरफ से जो इस पर चढ़ते हैं उन्हें शेरपा कहा जाता है। नेक्स्ट एंड आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के शहर में राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है गुवाहाटी।
असम के गुवाहाटी में जो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया, इन्होंने राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के परिसर का उद्घाटन किया है। अच्छा, बाकी के जो ऑप्शन हैं उनको भी डिस्कस करें यदि, तो जो बोध गया है, बोध गया में देखिए जो बौद्ध धर्म गुरु हैं दलाई लामा, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया है, ठीक है। और जैसे कि कोच्ची में देखिए वर्तमान में जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने एकीकृत सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया है, ठीक। इसका उद्घाटन किया गया है कोच्ची में, जो कि है एकीकृत सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स। और अमेठी जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पे यंत्र का उद्घाटन किया गया है, ठीक। इस प्रश्न को मैंने आप सभी के लिए एज अ होमवर्क के तौर पर दिया था। हाल ही में किस योजना को सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वामित्व योजना। आप सभी स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया है। इसी तरह आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो भी हम एज अ होमवर्क के तौर पे आपको क्वेश्चन से देते हैं, ठीक है। ऑनरशिप प्लान, इसको भी सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार मिला है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, पृथ्वी का घूर्णन दिवस 2024 कब मनाया गया है। इस प्रश्न का आंसर लिखना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। ये रही मेरी आज की क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।